नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ ललिता घाट के पास। ललिता घाट के पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेज गति से कराया जा रहा है। इसमें देखो सुबह टाइम ही तो थोड़ा सा काम बंद किया गया है। जैसा मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अंडरग्राउंड जो यहाँ पे ये टंकी है उसको भी भविष्य में अंडरग्राउंड किया जाएगा या हटा भी दिया जा सकता है। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं। ललिता घाट पर जेटी का निर्माण कार्य, एक्सलेटर सुविधा और सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया जाना है। अभी वो भी काम चालू हो गया। देखिए यहाँ पे छड़ ढाल के कई दिनों से रखा गया है। यहाँ पे ढलैया किया जाएगा। यहाँ सामने देख सकते होंगे मेरे सामने ललिता घाट पे बढ़ेगी व्यवस्था। जलाशय और ललिता घाट के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक मंच तैयार किया जा रहा है। इस मंच पर वर्ष भर विविध सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इसके अलावा कॉरिडोर क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामूहिक गतिविधियों के लिए मल्टीपर्पज हॉल भी तैयार किया जाएगा। वाराणसी गैलरी होगी आकर्षण का केंद्र। काशी विश्वनाथ धाम में वाराणसी गैलरी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें भारत की आध्यात्मिकता को दर्शाने वाली गैलरी का निर्माण कराया जाएगा। म्यूजियम में सजाएंगे काशी की धरोहरों। काशी की धरोहरों को सजाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में सिटी म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें काशी की धरोहरों की ऐतिहासिक तस्वीरें और पेंटिंग को श्रद्धालुओं को आगंतुकों के लिए रखा जाएगा। देख सकते हैं मेरे साथ सुबह टाइमिंग तो यहाँ पे काम बंद है। अभी जब थोड़ी देर और 11-12 बजेंगे तो उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो काम करते मजदूर यहाँ पे खड़े हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ललिता घाट के पास। यहीं पे जेटी का निर्माण कार्य करना है। बता दें कि यहाँ पे एक डीपीआर अभी बना नहीं है। डीपीआर बनने के बाद अभी यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला भी बनेगा जैसे ऋषिकेश बना है। ललिता घाट से लेके आपको वहाँ डुमरी तक बनने वाला है ये। इसकी भी अपडेट आई थी, मैं इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे है मेरे, जाके देख सकते हैं आप। बड़ी बड़ी मशीन लगा के यहाँ पे कार्य को जल्दी कराया जा रहा है क्योंकि 1 अगस्त 2021 तक इसको पूरा करना है। इस समय यहाँ का बालू पंपिंग काम खत्म हो चुका है और यहाँ इस समय मंका घाट पे बालू पंपिंग काम चल रहा है क्योंकि वहाँ पे पंपिंग लगाया गया, वहाँ पे इंजन द्वारा काम हो रहा है। आगे चल के हो सकता है इसको भी हटा जाए क्योंकि सामने काशी विश्वनाथ कंडी को देखना है। इसलिए देखिए मैं घाट का दिखा रहा हूँ सुबह का नज़ारा। इस समय मेरे घाट पे हूँ, सामने दिखा रहा हूँ मेरे घाट का। देखिए पानी देखने में कितना साफ लग रहा है। सुबह के टाइम ही लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और नाव से भी नौका विहार भी करते हैं, घूमते रहते भी हैं। कोयला भी काफ़ी है, देख सकते होंगे सामने दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे मेल घाट पे नमामि गंगा की तरफ से यहाँ पे एक देखिए डस्टबिन बड़ा सा रखाया गया है। तभी लोग गंदगी कर रहे हैं, बाहर फेंक देते हैं, मानते नहीं है लोग। देखिए सामने गंगा जी हैं। देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, नीचे जा रहे हैं गंगा जी में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे अलकंदा कूच है जो कि सुबह भी चलती है और शाम में भी चलती है, दो टाइम चलती है ये। देखिए एक और अभी आ रही है गोवा से, वो भी जल्द आने वाली है बनारस में। वो भी इसके बाद ये भी चलेगी और वो भी चलेगी। अभी उसका टिकट वगैरह नहीं किया गया है। देखिए इसमें आ गए हम कॉरिडोर में। कॉरिडोर का देखिए काम काफ़ी तेज़ी से कराया जा रहा है। इसके पहले मैं बनाया हुआ वीडियो देखे होंगे कि कितना काम हुआ, आप देखिए कितना काम हुआ है। काम हमेशा परिवर्तन होता आता जा रहा है क्योंकि काम बहुत तेज़ी से कराया जा रहा है यहाँ पे कॉरिडोर का। यहाँ पे अस्पताल का मुख्य भवन का निर्माण का चालू हो चुका है और यहाँ पे जब इसके बनने वाले सब आगे और मंदिर परिसर में यहाँ पे जो बन रहा है कॉरिडोर उसमें भी लिफ्ट भी लगाना बाकी है। लिफ्ट भी लगाए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ धाम
की काइडो की सारी चुनौतियां दूर हो चुकी है। धाम परिसर के लिए भवनों की खरीदारी और ध्वस्तीकरण का काम देव दीपावली से पहले पूरा हो गया है। मनका घाट पर छोर स्थित अंतिम मकान भी ध्वस्त हो गया है। यह ट्रैफिक फैसिलेशन सेंटर से निर्माण के बाधक था। काइडो क्षेत्र में मणिगंगा घाट की छोर पर स्थित अंतिम मकान के रजिस्ट्री के बाद उसे ध्वस्त करा दिया गया है। काशीनाथ धाम के लिए पहले 270 भवन खरीदे जाने थे, लेकिन अंतिम डीपीआर में भवनों की संख्या 314 तक पहुंच गई। मणिगंगा घाट की छोर पर स्थित अंतिम मकान को लेकर पेंच फंसा हुआ था, लेकिन वो भी पूरा हो चुका है। पीडब्ल्यू के सांची अभियंता संजय गौरे ने बताया कि भवनों के ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो चुका है, अब केवल मलबा हटाना बाकी है। प्रोजेक्ट को समय व्यवस्था और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर है। ट्रैफिक फैसिलेशन सेंटर के निर्माण में बाधक मकान को ध्वस्त करा दिया गया है। नीचे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे काम देखिए कॉरिडोर का पिलरों द्वारा काफ़ी गति से कराया गया है। तो सामने देख रहे हैं अस्पताल का निर्माण हो रहा है। यही है बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बनने के बाद काफ़ी भव्य लगेगा। बनने के बाद ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोग दूर दूर से यहाँ पे आएंगे दर्शन के लिए, और इसको देखने के लिए भी लोग आएंगे दूर दूर से। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी विकास वाली वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। यहाँ पर जो कर्मचारी जा रहे हैं देख सकते होंगे, वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा।